हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी लटकन की डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इसे आप अपने सूट पे, कुर्ती पे, लहंगे पे, किसी में भी लगा सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं, आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने ये 4x4 पे ये कपड़ा लिया है, यानी कि इसकी 4 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई है। आपको लंबाई और चौड़ाई पे बराबर कपड़ा लेना है। अब देखिए, मैंने इसी तरह के सारे पीस ले लिए हैं, ये सारे 4x4 पे हैं। अब देखिए, हम इसे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम सारे पीसेस को अपने ऐसे ही फोल्ड कर देंगे और एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे। अब देखिए, इसके बीच में हमको आधा आधा इंच का गैप रखना है। आप चाहें तो किसी भी लटकन को, किसी भी कलर को ऊपर नीचे रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 5-6 कलर और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर येलो, ब्लू, रेड लिया है। आप चाहो तो कोई भी कलर ले सकते हो। मैंने सारे इस तरह सिक्योर कर लिए हैं। इसके बाद हम पिन इसमें लगा देंगे, जिससे हमारे कपड़े सिलने में इधर उधर ना जाएं। देखिए, मैंने पिन लगा दी है। अब हम इसके ऊपर ऐसे स्टिचिंग लगा देंगे। देखिए, आपको इसे सीधे इसमें सेंटर से इसमें स्टिचिंग लगा देना है, जिससे हमारे सारे पार्ट एक साथ सिक्योर हो जाएंगे। देखिए, हमें ऐसे सिलाई लगानी है। देखिए, हम अपने कपड़े पे ऐसे, जैसे मैं मार्क कर रही हूँ, इसके ऊपर ही हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। लेकिन इसके पहले हमें अपनी डोरी को इस पे अटैच करना होगा। देखिए, ऐसे मार्क कर लिया है मैंने। इसके बाद आप ये डोरी रखेंगे। इस डोरी को हम अपने लटकन के सीधे साइड में रखेंगे और यहाँ पे ऐसे बीच में रखेंगे, जिससे हमारी डोरी बिल्कुल सीधे आएगी। अब देखिए, ऐसे आप इसको डबल फोल्ड कर देंगे और जहाँ मैंने मार्क करना आपको बताया था, हम सेम वैसे ही इस पे सिलाई लगा देंगे। अपनी सिलाई को लगाने के बाद हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, जिससे हमारे अंदर कोई भी ज़्यादा कपड़ा ना रहे और हमारी लटकन में बहुत अच्छा सी सफाई आए। अब देखिए, आप इसे पलट दीजिए। आपको धीरे धीरे पूरे लटकन्स को ऊपर कर लेना है और अपनी डोरी को खींचते चले जाना है, और हमारी लटकन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो जो हमने बीच पर सिलाई लगाई थी, आप उसे निकाल भी सकते हैं, या आप इसे ऐसे ही लगे रहने दीजिए। अब देखिए, हमारी लटकन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसे किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, लेकिन मेरी ये ब्लाउज़ की है तो मैं इसे ब्लाउज़ पे अटैच करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर